हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद एन ऑसम रेमेडी फॉर इंस्टेंट पिंकिश ग्लोइंग स्किन एंड आई एम आल्सो गोना टेल यू दैट हाउ टू स्टोर दिस मास्क एज आइस क्यूब्स, ताकि आपको कहीं भी जाना पड़े तो आपको जो है बनाना ना पड़े, आप इजीली जो है उसको अप्लाई कर लें फॉर इंस्टेंट पिंकिश ग्लोइंग स्किन। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने लेना है एक बीटरूट मीडियम साइज़ का, उसको आपने कर लेना है पील अच्छी तरीके से, ठीक है। अब बीटरूट जो है वो बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए, या आपकी स्किन को नेचुरल पिंकिश ग्लो देगा, आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको ख़त्म करेगा और आपकी स्किन को जो है रिंकल फ्री करेगा। और ठीक है, आपने इसको कट करने के बाद इसको कर लेना है ग्रेट। आप चाहें तो इसको ग्रेट कर सकते हैं, उसके बाद आप स्ट्रेनर की हेल्प से जो है जूस निकाल सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते आप इसको डायरेक्टली जो है जूसर मशीन में, ब्लेंडिंग मशीन में, ब्लेंडर में डाल के उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप उसको पहले ग्रेट कर लें ताकि उसका प्रॉपर जूस निकल आए, ठीक है। अब जो बीटरूट है वो है पावर हाउस ऑफ विटामिन सी, ठीक है। बीटरूट क्या करता है, आपकी जितनी भी डेड स्किन सेल्स हैं उनको एक्सफोलिएट करता है, आपकी जो फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, और अगर आपके फेस पे टैनिंग हो गई है तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। आप इसको अपने हाथों और पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपके डार्क सर्कल्स को, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है और आपकी स्किन को रिंकल फ्री करता है। तो यहाँ पे आपने इसका जूस निकाल लेना है बीटरूट का, कुछ इस तरह से निकलेगा। देन इसमें आपने ऐड करना है बेसन, आपने बेसन अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड करना है। अगर आपने हाथों पाँव पे अप्लाई करना है तो उसके मुताबिक आप देख लीजिए। देन आपने रोज़ वाटर ले लेना है, फिर आपने एक क्लीन बाउल लेना है, उसमें आपने ऐड करना है बीटरूट जूस, एंड उसमें यहाँ पे मैंने ऐड की थी 1 टेबल स्पून बेसन की। आप चाहें तो इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर सकते हैं। ये एज अ फेस पैक भी आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पे, एंड ट्रस्ट मी इसके बहुत अच्छे एंड अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आपकी स्किन को एक पिंकिश ग्लो देता है। आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, एंड अगर आपका बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट बन गया है तो आप इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। अगर आप रोज़ वाटर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जो है रोज़ वाटर ऐड कर लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से कर रही हूँ मिक्स। ट्रस्ट मी दिस मास्क इज़ अमेजिंग। ये आपकी स्किन को रिंकल फ्री कर देगा और ये एक बहुत ही अच्छा स्किन वाइटनिंग एजेंट है, और डोंट वरी कि आपकी स्किन को स्टैंड कर देगा, ये आपकी स्किन को बिल्कुल स्टैंड नहीं करेगा, एंड जो भी आपके ब्लेमिशेस होंगे उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे आपने ले लेनी है आइस क्यूब ट्रे, एंड उसमें आपने इसको कर लेना है स्टोर, ठीक है। अब ये स्टोर करने का फ़ायदा क्या होता है कि रोज़ हम जो हैं लेज़ी हो जाते हैं कि नहीं मास्क बनाना, स्किन केयर नहीं कर पाते, तो अगर आप इस तरह से स्टोर कर देंगे तो आपका जो होगा रेडीमेड एक मास्क सब बना होगा। तो फ़ौरन आप जाएंगे फ्रिज से जो है निकाल के आपने अपने फेस पे अप्लाई कर देना है, एंड देन ईजी सब कुछ हो जाना है, एंड आपकी स्किन जो होगी वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो करेगी। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा फिल कर लिया है इसको, आइस ट्रे को। अब मैं जाके इसको कर दूँगी फ्रीज़, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है फ्रीज़, एंड पूरी रात के लिए मैंने इसको रख दिया था। अब जब मैं सुबह उठी थी तो ये अच्छी तरह से आइस क्यूब जो है इसकी जम गई थी, देख लें कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। देन उसके बाद आपने अप्लाई कर लेना है इसको अपने फेस पे। आप चाहें तो इसको रोज़ अप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो आप वीक में 3 दफ़ा अप्लाई कर लें। इट्स रियली अप टू यू कि आपने कैसे और कब अप्लाई करना है, एंड रिजल्ट्स आर अमेजिंग, ठीक है। जितने भी आपके डार्क स्पॉट्स होंगे, पिगमेंटेशन होती है, उसको जो है रिमूव कर देता है, एंड मैं इसको खुद यूज़ कर रही हूँ, इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही अमेजिंग है। सो डू गिव इट अ ट्राई, एंड यस If you like the video, then do not forget to subscribe to my channel, and I'll see you guys in my next video. Till then, thank you.